गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 3G। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली द फॉलोइंग, मीन्स आपको बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बोर्ड मास लिखेंगे सबसे पहले बी, मीन्स होता है ब्रैकेट, मतलब फर्स्ट कंडीशंस में अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड पोजिशंस पर ऑफ सॉल्व करेंगे, थर्ड पोजिशंस पर हम डिवाइड, फोर्थ पोजिशंस पर मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट पोजीशन पे एडिशन, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शंस करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चंस गिवन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में ही गिवन है। तो आपका ये क्वेश्चन है 23,437 प्लस 11,542 माइनस 11,398। मीन्स आप बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग के दोनों नंबर को प्लस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें से हम 11,398 को माइनस करेंगे। तो 23,437 प्लस 11,542 मीन्स 7 प्लस 2 आपका हो जाएगा 9, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। अब आपका फाइनल आंसर आ गया है 34,979। इसमें से हम 11,398 को माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 8 आंसर इज 1, 7 माइनस 9 इज़ नॉट पॉसिबल तो हम 1 बोरो लेंगे, 17 माइनस 9 आंसर इज 8, 8 माइनस 3 आंसर इज 5, 4 माइनस 1 आंसर इज 3, 3 माइनस 1 आंसर इज 2। मीन्स आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स 23,581। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली ऐसा है, तो इसमें आपका क्वेश्चन गिवन है 37,315 माइनस 14,782 प्लस 21,508। मीन्स 37,315 में हम 21,508 को प्लस करेंगे, तो हम इसको स्टूडेंट सीक्वेंस से अरेंज करेंगे। मीन्स फर्स्ट नंबर पे ये जो प्लस का नंबर है उसको सेकंड पोजीशंस पे अरेंज करेंगे और माइनस को लास्ट में अरेंज करेंगे। जब हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58,823 में से हम 14,732 को माइनस करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट 44,041। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी इज 17,000 माइनस 23,816 प्लस 11,429। मीन्स आप 17,000 में 11,429 को प्लस करें और जो इसका आंसर आएगा हम उसमें से 23,816 को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट जब हम 17,000 और 11,429 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81,429 माइनस 23,816। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 57,613। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज 1,10,100,10,000 लेख 4 लेख प्लस 38,634 माइनस 233,547। हम 38,000 और 634 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,38,634 में से हम 233,547 को माइनस करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 1,10,100,10,000 लेख मीन्स 2,05,087। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी इज आउट ऑफ द 17,80,200 स्टूडेंट 8,90,100 स्टूडेंट सिलेक्टेड मेडिकल फील्ड अज द कैरियर, 4,90,718 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन इंजीनियरिंग अज द कैरियर एंड द रिमेनिंग प्रीफर्ड मैनेजमेंट स्टडी अज कैरियर, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट। मीन्स आपका 17,80,200 स्टूडेंट्स टोटल है, उसमें से 8,90,189 मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, नेक्स्ट 4,90,719 इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट के लिए कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। सो सॉल्यूशन इज 17,80,200 माइनस 8,90,189 प्लस 4,90,718 प्लस
मीन्स आप जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्लस करके टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इस नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13,80,907। अब हम इसे 17,80,200 में से माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 3,99,219 स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ अ फोटो एल्बम कैन होल्ड 21,600 फोटोज। एक फ़ोटो एल्बम में 21,600 फोटोज है, भव्य पुट्स 10,623 फोटोज। भव्य ने 10,623 फोटोज पुट किए हैं इन द एल्बम एंड हर सिस्टर, उसकी सिस्टर ने पुट किए हैं 9,324 फोटोज। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी मोर फोटोज आर पुट भव्य देन हर सिस्टर, मतलब भव्य ने उसके सिस्टर से कितने ज़्यादा फोटोज पुट किए हैं और उन दोनों ब्रदर और सिस्टर ने मिलकर कितने फोटोज पुट किए हैं। तो सॉल्यूशन इज, कंडीशंस में हम क्या करेंगे, भव्य और उसके सिस्टर्स के फोटोज को प्लस करके जो टोटल फोटोज है उसमें से माइनस कर देंगे तो हम 21,600 में से 19,947 को माइनस करेंगे तो 1,653 फोटोज शेष रहेंगे। और भव्य ने अपनी सिस्टर, अपनी सिस्टर से कितने ज़्यादा फोटोज, एक्स्ट्रा फोटोज पुट किए हैं, भव्य के टोटल फोटोज में से उसकी सिस्टर के फोटोज माइनस कर देंगे। भव्य के टोटल फोटोज कितने हैं स्टूडेंट्स, 10,623 और सिस्टर्स के कितने हैं 9,324। तो हम माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1,299 फोटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्रिकेट मैच देयर वेयर 84,600 पीपल इन द स्टेडियम, मतलब फर्स्ट डे में 84,600 पीपल थे स्टेडियम में, सेकेंड डे देयर वेयर 66,875 पीपल्स ऑन द स्टेडियम, मतलब सेकेंड डे में 66,875 पीपल्स थे एंड थर्ड डे में स्टूडेंट्स थे 22,605 पीपल्स। तो आपको क्वेश्चंस में ये बताना है, पीपल मोर देन द सेकेंड डे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल इन द फर्स्ट एंड थर्ड डे, मतलब फर्स्ट और थर्ड डे के जो पीपल्स थे हम उन्हें प्लस करके सेकेंड और थर्ड डे के पीपल्स को हम प्लस करके जो फर्स्ट डे के पीपल्स थे उसमें से हम उसे माइनस कर देंगे। तो सेकेंड और थर्ड डे के पीपल्स को हम प्लस करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट 66,875 प्लस 22,605, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89,480 में से आप 84,600 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,880 पीपल्स।